हेलो एवरीवन बीपीएससी पी सिक्सटी सेवेंथ एग्जाम में अब तक का सबसे कट ऑफ रहा है आने वाले बीपीएससी पी सिक्सटी एथ एग्जाम से नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत होने जा रही है सीटों की संख्या बहुत ही कम रहने वाली है ऐसी स्थिति में एक एक क्वेश्चन निर्णायक साबित होने वाला है दिन प्रतिदिन बी पी एग्ज़ाम और टफ होते जा रहा है ऐसी स्थिति में साइंस के बगैर साइंस की मज़बूत तैयारी के बगैर रिजल्ट की कल्पना ही नहीं की जा सकती है वीडियो की इस सीरीज में मैं अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि आई एस, आस्था आई ए एस परफेक्शन आई ए एस इम्तिहान और एडिटोरिया के टेस्ट सीरीज से साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ़ फॉलोइंग टू मिनरल्स आर यूज इन डबल फोर्टिफाइड साल्ट आयोडीन एंड कैल्शियम या फिर आयरन एंड कैल्शियम आयरन एंड आयोडीन या फिर आयरन एंड मैग्नीशियम निम्नलिखित में कौन से दो खनिज डबल फोर्टिफाइड नमक में उपयोग किए जाते हैं आयोडीन और कैल्शियम या फिर आयरन और कैल्शियम आयरन और आयोडीन या फिर आयरन और मैग्नीशियम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा सी आयरन और आयोडीन इंडिया में हर साल देखा जाए तो मोर देन नाइन मिलियंस जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके अंदर आयोडीन की डिफ़िशियंसी देखने को मिलती है और जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं में भी ये डिफ़िशियन्सी रहती है इस कारण से ये डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में आयरन और आयोडीन मिलाया जाता है आयोडीन और आयरन इसमें रहता है डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट में जीरो पॉइंट एट से वन पॉइंट वन मिलीग्राम प्रति ग्राम, ग्राम सॉल्ट में आयोडीन मिलाया गया रहता है डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट जो है इससे डेली जितने आयोडीन की ज़रूरत है उसका हंड्रेड परसेंट पूरा हो जाता है और डेली जितने आयरन की ज़रूरत है उसका थर्टी टू सिक्सटी परसेंट आयरन की पूर्ति हो जाती है इस डबल फोर्टिफाइड सॉल्ट से तो इसमें क्या रहता है आयरन और आयोडीन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड या फिर क्लोरोफिल या ग्लूकोज या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरोफिल या ग्लूकोज या जटिल कार्बोहाइड्रेट तो जो फोटोसिंथेसिस का जो केमिकल इक्वेशन होता है वो होता है सी ओ टू प्लस एस टू ओ इज इक्वल टू सी सिक्स सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस ओ टू प्लस एच टू ओ प्लस एच टू इसको यदि हम बैलेंस करें तो सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एच टू ओ इज इक्वल टू सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एच टू ओ मतलब ये रहा इक्वेशन जो हो गया सिक्स सी ओ टू प्लस ट्वेल्व एस टू ओ इज इक्वल टू सी सिक्स ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एस टू ओ तो इसका जो मेन प्रोडक्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है राइट right ऑप्शन यहाँ पे डी होगा ग्लूकोज क्या है ग्लूकोज भी तो एक कार्बोहाइड्रेट ही है नेक्स्ट क्वेश्चन द कलर्स इन ए फाइनली कट ड्यू टू फिच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएशन इन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स या फिर वेरिएशन इन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ डायमंड या प्रजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्सड प्लेन लेयर्स तो इसका राइट right ऑप्शन हो जाएगा प्रजेंस ऑफ इम्प्यूरिटी एक्सप्लेन में करता हूँ राइट right ऑप्शन सी होगा उत्कृष्ट तरह से गए डायमंड में रंग निम्न में से किसके कारण होते हैं अपवर्तन के सूचकांक में भिन्नता के कारण नहीं हीरे की पारदर्शिता में भिन्नता के कारण नहीं अशुद्धियों की उपस्थिति के कारण ये सही है निश्चित समतल परतों का अस्तित्व तो नहीं अशुद्धियों की उपस्थिति कौन कौन सी अशुद्धियाँ यानी कौन कौन सी इंप्यूरिटी उसमें प्रेजेंट रहती है तो नाइट्रोजन की वजह से सल्फर की वजह से एंड बोरा की वजह से राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आयोडीन टेस्ट इज यूज टू चेक द प्रजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल या फिर फैट या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट इसमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए नहीं वसा के लिए नहीं फैट के लिए नहीं होता प्रोटीन के लिए भी नहीं होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड यानी स्टार्च तथा यानी शुगर के रूप में होते हैं जिसके जांच के लिए आइडेन टेस्ट किया जाता है सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा नेक्स्ट द पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू ड्रिंक विच ऑफ द फॉलोइंग दोल्यूशंस बिफोर ए रेडियोलॉजिकल रेडिएटिव थेरेपेटिक टेस्ट सोडियम क्लोराइड या फिर बेरियम सल्फेट या जर्मेनियम टेट्राक्लोराइड या फिर स्ट्रोंटियम फॉस्फेट तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बेरियम सल्फेट बी रोगी को रेडियोलॉजिकल विकिरण चिकित्सात्मक किरण परीक्षण से पहले अग्रलिखित में से कौन सा घोल पीने का निर्देश दिया जाता है तो रेडियोलॉजिकल परीक्षण में लिक्विड रे रेडियोलॉजिकल परीक्षण में लिक्विड सस्पेंशन तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो मुख्य रूप से बेरियम का घुलनशील मिश्रण होता है जब रोगी को सफ़ेद रंग का बेरियम युक्त ड्रिंक पिलाया जाता है तो वह शरीर के अंदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइल ट्रैक्ट के दीवारों पर चिपक जाते हैं जिससे परीक्षण के दौरान परीक्षणकर्ता को स्पष्ट जानकारी हासिल हो जाती है तो किसका उपयोग किया जाता है बेरियम सल्फेट का राइट ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट द गैसियस मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन इज कॉल्ड कोल गैस नहीं वाटर गैस नहीं नाइट्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूसर गैस राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय गैसीय मिश्रण को कहा जाता है कोयला गैस नहीं जल गैस नहीं प्राकृतिक गैस नहीं प्रोड्यूसर गैस कहा जाता है प्रोड्यूसर गैस गैस गैसों जैसे मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन और गैर ज्वल ज्वलनशील गैसों मुख्य रूप से नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है जो हवा और भाप के वातावरण में कार्बन युक्त पदार्थों आमतौर पर कोयले के आंशिक दहन द्वारा बनाई जाती है हवा के साथ ईंधन के आंशिक दहन से प्रोड्यूसर गैस प्राप्त होता है आंशिक आंशिक दहन नेक्स्ट क्वेश्चन अल्ट्रासोनिक वेव्स इन एयर प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग क्वार्च क्रिस्टल इज एन एग्जांपल ऑफ विच वेव मोशन तो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं ट्रांसवर्स नहीं लॉन्गिट्यूडिनल राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा एक कंपित क्वार्च क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगे किस तरंग गति का एक उदाहरण है तो वह है अनुदर्घ यानी लॉन्गिटूडनल वेव का एक एग्जाम्पल है राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अनुप्रस्थ और अनुदर्घ तरंगे क्या होती है यानी ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है मान लीजिए एक स्ट्रिंग यहाँ पे बधा हुआ है स्ट्रिंग हम क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा झटका देते हैं एक स्नैप देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से वेव ट्रेवल करके इस स्ट्रिंग पे चला जाएगा इस तरह कैसे जाएगा तो इसमें हम देख रहे हैं वेव किसके थ्रू हो कर के जा रहा है तार के थ्रू स्ट्रिंग के थ्रू होकर के जा रहा है पतले तार के थ्रू हो कर के जा रहा है तो मीडियम कौन सा है वो स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के जो पार्टिकल है ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं वेव किधर से जा रहा है लेफ्ट से राइट जा रहा है तो जिस जब जिस वेव में जिस वेव के प्रोपेगेशन के थ्रू मीडियम के पार्टिकल वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करें उस वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है यानी अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है मतलब ये रहा कि वेव जिधर जा रहा है उसके परपेंडिकुलर लंबवत डायरेक्शन में यदि मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है तो हम उस वेव को अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होगा ट्रांसवर्स वेव जो है वेव ऑन स्ट्रिंग एक एग्जाम्पल है इसमें क्रेस्ट ट्रफ के फॉर्म में यह ट्रेवल करता है क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ यानी श्रृंग और गर्त के रूप में श्रृंग गर्त श्रृंग गर्त के रूप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जाता है तो ये रहा अनुप्रस्थ तरंग यानी ट्रांसवर्स वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है यानी अनुदार अनुदर्ग तरंग के क्या होता है जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिप्स जो है आसपास के एयर पे प्रेशर एग्जल्ट कर रहे हैं प्रेशर एग्जल्ट करने से एयर जो है एयर के जो लेयर्स हैं पास पास आ गए जिसको कंप्रेशन कहा जाता है आगे रेयरिफेक्शन है फिर कंप्रेशन फिर रे फिर कंप्रेशन तो कंप्रेशन रे कंप्रेशन रे के फॉर्म में साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जा रहा है अब इसमें देखिए किसी एक लेयर को आप कंसिडर कीजिए इस लेयर को एयर के इस लेयर को तो जब प्रेशर इस पर एग्जर्ट किया गया हमारे लिप्स के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट किया गया तो ये लेयर थोड़ा आगे की ओर बढ़ा तो आगे बढ़ करके के परमानेंटली आगे डिस्प्लेस नहीं हुआ फिर अपने मीन पोजीशन पे आएगा ओरिजिनल पोजीशन पे आ इनर्सिया होने की वजह से ये पीछे फिर चला जाएगा तो आगे पीछे मोशन कर रहा है वेव जिधर जा रहा है लेफ्ट से राइट जा रहा है ये लेयर्स जो है ये भी आगे पीछे मोशन कर रहा है यानी वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन हो रहा है तो इस तरह के वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग एग्जाम्पल क्या है एग्जाम्पल है साउंड तो इसमें से राइट right ऑप्शन जो हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ तरंग का डेफिनेशन पता चल गया होगा समझ में आ गया होगा नेक्स्ट द फिनोमिन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाइल ट्रेवलिंग डाइगोनली फ्रॉम वन मीडियम टू अनोदर इज नोन एज रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रेक्शन या स्केटरिंग या कन्वर्जेंस तो रिफ्रैक्शन कहालाता है राइट right ऑप्शन यहाँ पे बी है आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विष्पित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है यहाँ पे तिरछा कह रहा है मान लीजिए कि एक मीडियम यह है ये मीडियम वन है मीडियम वन और ये ऊपर में मीडियम टू है मीडियम टू तो यदि सीधे ये कोई लाइट रे यहाँ पर मान लीजिए सोर्स है सोर्स ऑफ लाइट लाइट का सोर्स है एक लाइट रे यहाँ से जा रही है तो परपेंडिकुलर यदि पड़ रही है तो सीधे चली जाएगी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा इसलिए ये तिरछी कर रहा है डाइगोनली कर रहा है डाइगोनली यात्रा कर रहा है तो डाइगोनली जब यात्रा करेगा तो मान लीजिए एक रे जो है एक यहाँ से चली गई रे तो मीडियम वन से मीडियम में टू में जा रही है तो यहाँ पे दो चीज़ें होगी या तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगी या नॉर्मल से अवे बेंड करेगी मान लीजिए यदि डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो तो इसको जाना तो चाहिए ऐसे लेकिन नॉर्मल से अवे ये बेंड कर जाएगी यानी डेंसर से रेयरल यानी सघन से बिरल माध्यम में जब लाइट रिट्रेवल करके जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी यदि रेयरर से डेंसर में जाएगी ट्रेवल करके तो नॉर्मल की ओर बेंड करेगी अब सवाल ये उठता है कि ये नॉर्मल की ओर या फिर नॉर्मल से अभिलंब से दूर बेंडिंग क्यों हो जाती है क्या कारण है तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब फ्रीक्वेंसी तो सेम रहती है लेकिन स्पीड चेंज हो जाता है स्पीड चेंज होने की वजह से ही ये बेंडिंग होता है तो इस फिनोमिनन को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉल्ट वाटर इंटू प्योर वाटर इज कॉल्ड तो जैसे डिसलिनेसन प्लांट यदि लगाया गया है तो सॉल्टी वाटर जो है समुद्र का जल जो खारा जल है उसको पीने योग्य पानी में बदल दिया जाता है तो इस प्रोसेस को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस आर ओ हर एक घरों में लगा रहता है आज के डेट में लगा रहता है अधिकांश घरों में तो आर ओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या कहते हैं उत्क्रमण पराशर कहा जाता है यानी रिवर्स ऑस्मोसिस राइट ऑप्शन डी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए कन्वेक्स मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इन्फिनिटी वर्चुअल एंड अपराइट या फिर रियल एंड इन्वर्टेड या वर्चुअल एंड इन्वर्टेड या रियल एंड अपराइट तो वर्चुअल एंड अपराइट बनता है आभासी और सीधा राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा एक्सप्लेन मैं करता हूँ आगे जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है आभासी और सीधी होती है यदि कनकेव लेंस होता कनकेव मिरर होता कनकेव मिरर होता तो यदि अनंत पे हम रखते हैं इन्फिनिटी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखते तो फोकस पे बनता इमेज ये मान लीजिए फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है वक्रता केंद्र है और ये पोल है तो फोकस पे बन जाता उल्टा बनता और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता हाईली डिमिनिश बनता लेकिन वहीं यदि कन्वेक्स मिरर है कन्वेक्स मिरर तो यदि इन्फिनीटी पे हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो बनेगा तो फोकस पे ही बनेगा लेकिन सीधा बनेगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो तो वर्चुअल ही बनाता है वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है तो वर्चुअल तो बनेगा जब वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा यानी सीधा होगा तो वर्चुअल और सीधा यानी आवासीय और सीधी राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा नेक्स्ट ऑफ फॉलोइंग इज ए कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर तो वो होता है किलोवाट वाट आवर राइट ऑप्शन ए होगा निम्न में कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है तो वो होता है कीलो वाट आवर वाट किसका यूनिट है वाट जो यूनिट होता है वो पावर का होता है पावर पावर आज जूल किसका यूनिट होता है जूल जो है वर्क का भी होता है और एनर्जी का भी होता है एनर्जी एनर्जी का भी होता है एम्पियर किसका इलेक्ट्रिक करेंट का इलेक्ट्रिक करेंट का. का यूनिट होता है एम्पियर वाट पावर का और ये किलो वाट है तो किलो वाट भी रहता तो पावर का यूनिट हो जाता तो हम जानते हैं कि पावर जो होता है वो एनर्जी या वर्क बाय टाइम होता है तो यदि पावर में हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा एनर्जी आ जाएगा इसलिए यदि किलो वाट रहता तब तो वो तो पावर हो जाता और उसमें टाइम से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा इनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा यानी ई इज इक्वल टू तो हो जाएगा पावर इंटू टाइम किलो वाट इंटू तो किलो वाट आवर जो है एनर्जी का यूनिट है और एक किलो वाट आवर इलेक्ट्रिसिटी को वन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है तो घरों में जो मीटर लगा हुआ होता है वो इसी में मेजर करता है किलोवाट आवर में एक किलोवाट आवर मतलब वन यूनिट बिजली सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच एमोंग दी फॉलोइंग डिस्कवर्ड हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O टू ओ हेनरिक हर्ज नहीं एच उरे यानी हेराल्ड क्लेटन उरे ये राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा जी मेंडल नहीं जोसेफ प्रेस्टले नहीं एचसी उड़े निम्न में से किसने भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज की थी एच सी ने किया था राइट ऑप्शन बी होगा एच सी ऊरे यानी हेराल्ड क्लेटन उड़े ने 1931 में ड्यूटेरियम की खोज किया था ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम क्या होता है हाइड्रोजन के थ्री तीन समस्थानिक होते हैं यानी थ्री आइसोटोप्स होते हैं कौन सा एच वन वन प्रोटियम एच टू वन और एच थ्री वन यानी प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम प्रोटियम में का चूंकि ये आइसोटोप हाइड्रोजन के तेटोमिक नंबर तो वन वन ही होगा लेकिन मास नंबर प्रोटियम में वन होता है ड्यूटेरियम का टू होता है और ट्राइटियम का थ्री होता है मतलब जो प्रोटियम है उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं है ड्यूटेरियम में एक न्यूट्रॉन है और ट्राइटियम में दो न्यूट्रॉन है तो और इससे जो जल बनता है ड्यूटेरियम के ऑक्साइड यही होता है भारी जल तो ड्यूटेरियम की खोज 1931 में एच सी उड़े ने किया था और 1934 में इनको आगे इन्होंने उसके बाद में वाटर में इन्होंने मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हैवी वाटर का भी डिस्कवरर यही है इसके लिए उनको 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और मतलब इंडिपेंडेंटली जो अलग किया गया ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो अलग किया गया यानी हेवी वाटर जो है आइसोलोट आइसोलेट किया गया इनके मेंटर थे गिलबर्ट न्यूटन लुइस उन्होंने ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हेवी वाटर को आइसोलेट किया था खोज किया था एच सी ने और ड्यूटेरियम का भी कह सकते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड का भी कह सकते हैं अब पहले आइसोलोट आइसोलेट जो किए इनके मेंटर गिलबर्ट न्यूटन लुइस ने जिंक नहीं हाइड्रोजन नहीं प्लेटिनम भी नहीं निकल यूज किया जाता है राइट right ऑप्शन यहाँ पे डी होगा वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है निकेल का उपयोग किया जाता है वनस्पति तेल यानी वेजिटेबल जो ऑयल है उसको उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है गर्म कर दिया जाता है 170 डिग्री सेल्सियस 170 डिग्री सेल्सियस तक किस कैटलिस्ट के प्रजेंस में निकिल कैटलिस्ट के प्रजेंस में जब वेजिटेबल ऑयल एंड हाइड्रोजन को मिक्स करके 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो वनस्पति घी बन जाता है यानी वेजिटेबल घी बन जाता है तो इसमें निकिल जो है एक कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करता है राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा नेक्स्ट विच एलिमेंट इज मोस्ट यूजफुल इन इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ऑयल इन मस्टर्ड कैल्शियम नहीं जिंक भी नहीं आयरन भी नहीं सल्फर राइट ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फर पौधों के लिए आवश्यक बृहद पोषक तत्व है यह सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है कौन सा तत्व तो सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है कैल्शियम है या जिंक है या फिर लोहा है सल्फर होता है राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन द रेडियस ऑफ एन एटम इज अप्रॉक्सीमेटली तो एटम का जो रेडियस होता है ये दिया गया है एलेवंथ के केमिस्ट्री में एटम का जो रेडियस होता है टेन टू दावर माइनस टेन मीटर के ऑर्डर का होता है यानी वन एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है और न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है टेन टू दावर माइनस फिफ्टीन मीटर के ऑर्डर का होता है यानी वन फेम टू मीटर कहिए या फर्मी के ऑर्डर का होता है न्यूक्लियस का रेडियस एटम का रेडियस वन एंगस्ट्रम के ऑर्डर का होता है तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा परमाणु की त्रिज्या लगभग होती है तो दस तुल दस के पावर माइनस दस मीटर यानी वन एंगस्ट्रम के ऑर्डर की होती है राइट ऑप्शन ए हो जाएगा और नाभिक की त्रिज्या जो होती है वो दस के पावर माइनस पंद्रह मीटर के ऑर्डर की होती है न्यूक्लियस की खोज किसने किया था रदरफोर्ड ने किया था कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया था अल्फ़ा एस्केटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था न्यूक्लियस की खोज की थी नेक्स्ट क्वेश्चन नो टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम कैन हैव द सेम फोर क्वांटम नंबर्स हुज थ्योरी इज दिस हुस लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नहीं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा और ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूँ मैं किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती यह किसका सिद्धांत है यह पॉली अपवर्जन सिद्धांत है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है यह स्टेटमेंट ही है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सपोज कीजिए हम मैग्नीशियम ले लेते हैं मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है ट्वेल्व इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यदि हम लिखें तो होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन दो चार दस थ्री एस टू थ्री एस वन सोडियम का थ्री एस वन है था, थ्री एस टू यानी इसके थर्ड ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन हैं और किस ऑर्बिटल में है किस सबसेल में है एस सबसेल में है यहाँ पे। तो इसके लिए थर्ड ऑर्बिट है तो एन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा उसके बाद में एजमूथल क्वांटम नंबर एल का वैल्यू कितना हो जाएगा एल का वैल्यू जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक होता है जीरो से लेकर के एन माइनस वन तक तो जीरो से लेकर के एन माइनस वन यानी थ्री माइनस वन टू तक होगा तो जीरो वन एंड टू तीन जो है इसके एजमुथल क्वांटम नंबर्स होंगे तो ये एस हो जाएगा और ये पी हो जाएगा और ये एस पी डी हो जाएगा तो एस सबसेल में है तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा उसके बाद में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होता है माइनस एल से लेके प्लस एल तक यानी माइनस जीरो से लेके प्लस जीरो तक यानी जीरो ही होगा तो एम का वैल्यू जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा और स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है स्पिन क्वांटम नंबर चूंकि एस और वाइटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन के लिए एन का वैल्यू यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर थ्री होगा एजमुथल क्वांटम नंबर जीरो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जीरो होगा यानी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए ये तीन जो क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम है लेकिन चौथा क्वांटम नंबर जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा एक के लिए अप होगा यानी प्लस हाफ होगा और दूसरे के लिए माइनस हाफ होगा यानी एक का स्पिन यदि अप होता है मान लीजिए ये और बाइटल है एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन यदि अप है तो दूसरे का डाउन होगा निश्चित रूप से तो तीन क्वांटम नंबर्स तो सेम हो गए लेकिन चौथा सेम नहीं हुआ चौथा निश्चित रूप से वैरी करेगा तो किसी परमाणु में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं एक समान नहीं हो सकती यह है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल राइट ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ फॉलोइंग हैज टेट्राहेड्रल मोलिकुलर ज्योमेट्री मीथेन का या फिर अमोनियम आयन का या सल्फर हेक्साफ्लोराइड का या अमोनिया का तो इसमें से दो सही हो जाएगा मीथेन का और अमोनियम आयन का भी दोनों का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है तो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा निम्नलिखित में से किसमें चतुष आणविक ज्यामिति होती है तो मिथेन का सी एच फोर सी एच एच इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो टेट्राहेड्रल होती है और एन एच फोर प्लस अमोनियम आयन क्या होता है एन एच फोर प्लस एन एच फोर प्लस इसकी भी ज्योमेट्री जो होती है वो भी टेट्राहेड्रल ही होगी एच ऊपर एच 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 टेट्राहेड्रल तो ये दोनों की ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रल राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच मेटल हैज़ दी हाइएस्ट रिलेटिव रिएक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो होती है वो अलकली मेटल्स की होती है अलकली मेटल में यदि हम देखें तो सोडियम एंड पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होता है उसमें पोटेशियम का सबसे ज़्यादा होता है इसको यदि खुले में छोड़ दें तो आग पकड़ लेता है किरोसिन ऑयल में डुबो करके रखा जाता है पोटेशियम हाईली रिएक्टिव अलकली मेटल है ये पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में जो ग्रुप है उसी में पाया जाता है पोटेशियम अलकली मेटल राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा किस धातु की आपेक्षिक अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होती है तो पोटेशियम की सबसे ज्यादा होती है उसके बाद सोडियम हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन कर्ड इन विच ए बैक्टेरियम कॉल्ड लैक्टोबेसिलेस इज प्रोमिनेंट विच कन्वर्ट्स मिल्क इंटू कर्ड हाउ विथ दी हेल्प ऑफ विच प्रोसेस डज दिस बैक्टेरियम कन्वर्ट मिल्क इंटू कर्ड ऑप्शन ये है बाई सिक्रेटिंग लैक्टिक एसिड

दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबेसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है यह जीवाणु कैसे किस प्रक्रिया की सहायता से दूध को दही में परिवर्तित करता है या करते हैं लैक्टिक एसिड का इस्तराव करके नहीं दूध में जनन करके राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा दूध को फाड़ कर नहीं दूध से केसिन नामक प्रोटीन को समाप्त कर नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड आइटम्स सोडियम बेंजोएट सोडियम मेटा मेटा या फिर बेंजीन या एस्कॉर्बिक एसिड तो दो का यूज किया जाता है फूड प्रेजर के रूप में प्रिजर्वेटिव के रूप में सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटा का राइट right ऑप्शन यहाँ पे ई e हो जाएगा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सामान्यतः खाद्य हाँ पदार्थों के परिरक्षण हेतु तो किया जाता है सोडियम बेंजोएट का किया जाता है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइट का किया जाता है राइट ऑप्शन ई होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वायरस बॉर्न डिजीज टेटनस या फिर इन्फ्लुएंजा या मीजल्स या रेबीज तो इन्फ्लुएंजा मीजल्स एंड रेबीज ये तीनों वायरस जनित बीमारियां हैं लेकिन टेटनस जो है एक जीवाणु जनित बीमारी है राइट ऑप्शन यहाँ पे ई होगा निम्नलिखित में कौन एक वायरस जनित बीमारी नहीं है तो टेटनस वायरस जनित बीमारी नहीं है जीवाणु जनित बीमारी है राइट ऑप्शन ए हो जाएगा इन्फ्लुएंजा खसरा और रेबीज तीनों जो है वायरस जनित बीमारी है ये वायरल इन्फेक्शन है

रक्त का वह तरल भाग जो हल्का पीला एवं गाढ़ा होता है जो रक्त के आयतन का लगभग पचपन प्रतिशत होता है तथा उसमें नब्बे से बानवे प्रतिशत जल पाया जाता है वो कौन है तो वो है प्लाज्मा राइट ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन प्लेगरा इज ए डिजीज कॉज्ड द डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन तो विटामिन बी थ्री की कमी से होता है थाइमिन राइबोफ्लामीन नियासिन इसका नाम केमिकल नाम क्या है नियासिन राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पेलेग्रा नामक बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है विटामिन बी थ्री की कमी से होती है राइट ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन क्यूरी पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच मैटर बिकम्स रेडियो एक्टिव नहीं ए मेटल लूजेज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यस ये राइट right ऑप्शन होगा बी ए मेटल लूजेज कंडक्टिविटी नहीं ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल सकर्स नहीं क्यूरी पॉइंट वह तापमान होता है जिस पर पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है नहीं एक धातु चुंबकीय गुण खो देता है बिल्कुल क्यूरी पॉइंट या क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर यानी जिससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने पे कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जो है अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है यानी वो मैग्नेट नहीं रह पाता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है वो अपनी चुंबकीय गुण खो देता है राइट ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ एन इकोसिस्टम प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एबायोटिक कंपोनेंट कम्पोनेंट इको सिस्टम को बनाने में प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक कंपोनेंट यानी बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स होते हैं तो इसमें से राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन वन किसी परितंत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होता है पौधे भी सहायक होते हैं प्राणी सूक्ष्म जीव अजैव घटक ये सभी से मिल करके परितंत्र यानी इकोसिस्टम का निर्माण होता है राइट ऑप्शन ई हो जाएगा मोर देन वन नेक्स्ट क्वेश्चन एस्फेगनम इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिस टाइप ऑफ प्लांट ये मॉस का एक एग्जाम्पल है राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा एस्फेगनम किस प्रकार के पादप का एक उदाहरण है तो ये मॉस का उदाहरण है राइट ऑप्शन बी होगा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रूट यहाँ पे पोटैटो मिस्लेटो एंड जिंजर जो है ये रूपांतरित तना है लेकिन बीट यानी चुकंदर जो है ये एक जड़ का उदाहरण है तो इसमें से राइट ऑप्शन सी न हो करके राइट ऑप्शन ई हो जाएगा नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रूट रूट का एग्जाम्पल नहीं है तो तीन जो है रूट के एग्जाम्पल नहीं है बाकी एक रूट का एग्जाम्पल है राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा सी नहीं होगा निम्नलिखित में से कौन एक जड़ का उदाहरण नहीं है तो आलू जड़ नहीं है आलू रूपांतरित तना है बंडा भी रूपांतरित तना है और अदरक भी रूपांतरित तना है लेकिन चुकंदर जो है एक जड़ है गाजर सलजम चुकंदर मूली ये सभी जड़ के उदाहरण हैं तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई यह हो जाएगा मोर देन वन नेक्स्ट क्वेश्चन खैरा डिजीज इज ए कॉमन डिजीज ऑफ पैडी क्रॉप व्हाट इज इट्स कॉज कॉपर डिफिशियंसी नहीं जिंक डिफिशियंसी इसका सही ऑप्शन होगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जिंक की डिफिशियंसी से होता है खैरा नामक रोग बोरोन डिफिशियंसी नहीं आयरन डिफिशियंसी नहीं धान की फसल की एक सामान्य बीमारी खैरा रोग है इसका कारण क्या होता है तो कॉपर की कमी नहीं जिंक की कमी होती है राइट right ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये रहा सेट तो फाइव साइंस के क्वेश्चन का आप बने रहिए इस चैनल के साथ मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच